जैसे जैसे ह्यूमन का ब्रेन ग्रोथ होता गया, वैसे वैसे उसने अपने घर को बढ़िया बनाना शुरू कर दिया और उसके साथ ही साइंस आ गई और जिसकी मदद से इंसानों ने बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दिया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें, टॉप 5 हाईएस्ट बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। तो गाइस, आज का ये वीडियो आपके लिए ही है और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज की हमारी टॉप 5 का नंबर 5 है पिंग एंड फाइनेंस सेंटर। दोस्तों, 115 मंजिला और 599 मीटर ऊंची ये इमारत आसमान को छूती है। दोस्तों, ये चाइना के शेंजेंग गुआंगडोंग में स्थित है। ये एक ऑफिस टाइप बिल्डिंग इमारत है जिसकी बनने की शुरुआत हुई थी 2010 में और इसका काम कंप्लीट हुआ था 2017 तक। दोस्तों, इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 1.5 बिलियन US डॉलर है। और दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें लगभग 80 एलिवेटर्स यानी कि लिफ्ट्स हैं। तो ये था हमारा नंबर 5। तो आज का हमारे नंबर 4 है मक्का रॉयल क्लॉक टावर, या कहें अरब अल बेत, जिसका मतलब है टावर ऑफ हाउस, जो कि एक सरकारी गगनचुंबी इमारत है और सऊदी अरेबिया के मक्का में मौजूद है। दोस्तों, इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था वो 2004 में शुरू हुआ था और 2012 तक ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी। जो इसकी कॉस्ट आई थी वो लगभग 1.5 बिलियन US डॉलर के बराबर थी। अब दोस्तों, इसकी हाइट है वो 601 मीटर है और दोस्तों इसमें 96 एलिवेटर्स हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने नंबर 3 की तरफ, शंघाई टावर। 128 मंजिला और 632 मीटर ऊंची ये गगनचुंबी इमारत चीन के शंघाई में स्थित है। दोस्तों, इस इमारत में दुनिया के सबसे फास्ट एलिवेटर्स हैं जिनकी रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, इसके जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था वो 2008 से 2014 तक के बीच का रहा। 2014 में ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई थी। जो इसको बनाने में कॉस्ट आई थी वो लगभग 15.7 चाइनीज यूरो के बराबर थी। तो अब हमारे आ जाती है नंबर 2 की सबसे ऊंची बिल्डिंग। तो दोस्तों, नंबर 2 पर है मर्डेका 118, जो मर्डेका पीएनबी 118, वर्सियन मर्डेका टावर और केएल 118 के नाम से भी जाने जाती है, जिसकी टोटल हाइट है 678.9 मीटर, जो कि मलेशिया के कुआलालंपुर में स्थित है। दोस्तों, इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो 2014 में शुरू हुआ था और 2021 तक पूरी तरह से तैयार हो गई थी और इसको बनाने में लगभग 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा आया था और इसमें लगभग 87 एलिवेटर्स हैं। नंबर 1 पर है बुर्ज खलीफा, जिसको बुर्ज दुबई और खलीफा टावर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा दुबई यूएई में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, जो साल 2009 तक की सबसे ऊंची इमारत तैपई 101 को पीछे छोड़कर अब तक की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के नाम ही सबसे लंबे समय तक सबसे ऊंची बिल्डिंग का रिकॉर्ड है। दोस्तों, इस इमारत के कंस्ट्रक्शन का काम 2004 में स्टार्ट हुआ था और साल 2009 तक पूरा हो गया था। इसकी हाइट की बात करें तो इसकी टोटल हाइट है 829.8 मीटर्स, यानी कि 2722 फीट, जो लगभग आधे मील के बराबर है। दोस्तों, लगभग 57 लिफ्ट्स या एलिवेटर्स हैं। दोस्तों, इसका जो टॉप फ्लोर है यानी कि सबसे ऊपरी कमरा वो है 585 मीटर की ऊंचाई पर और दोस्तों, इसको बनने में जो लागत आई थी वो आई थी 1.5 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर, या हम कह सकते हैं भारतीय रुपयों में 11,250 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 5 आज के। तो दोस्तों, अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको कौन सी सबसे ऊंची इमारत अच्छी लगी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर जो वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगली बार हम इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। We'll be right back.